आपकी बात जब लोगों तक पहुंचती है असर होता है. सो इफ वी एड द पॉजिटिविटी एलिमेंट व्हिच इज लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड राइट नाउ जहां से अवाम की भलाई हो सके, पाकिस्तान की भलाई हो सके. पूरी दुनिया आपकी फैन है, बट शान शाहिद आप किससे इंस्पायर होते हैं? मैं आजकल तो ऐसे लोगों से इंस्पायर होता हूँ जो उम्मीद दिखाते हैं. हाँ हाँ. जो रास्ता दिखाते हैं और जो दर्द रखते हैं पाकिस्तान का, ज़रूरी है. और मुझे लगता है कि मुझे वो लोग इंस्पायर करते हैं जो सब कुछ होते हुए भी आवाम के लिए दुख, दर्द, मोहब्बत, एहसास रखते हैं. तो आई थिंक दैट्स नॉट नेसेसरी कि वो फिल्म इंडस्ट्री से हो या सियासत या इन चीज़ों को ताल्लुक हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसने वाकई आपको इंस्पायर किया और आप समझते हैं कि स्टेज पे पहुंचे अभी भी मैं किसी जगह पे कुछ. जी, मुझे जहाँ तक मेरा आज का ताल्लुक है, मैं माजी की बात नहीं करता. तो आई थिंक मुझे इलामा इकबाल का जो स्कूल में कलाम पढ़ा था वो याद किया था, क्योंकि फ़ारसी आती नहीं थी, अरबी भी नहीं आती, लेकिन मेरे ख़्याल में जो पैगाम फ़ारसी के पीछे छुप गया था उसे उर्दू में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. उससे आपके किरदार की तामीर होती है और आपको पता चलता है कि एक पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है. एक आजकल चुम्मी बड़ी मशहूर हुई है ऑनलाइन, जहाँ भी हम देखते हैं वो क्लिप देखते हैं, तो वो इसके पीछे कुछ स्टोरी है, वो जरा हमें बताएं कि ये क्या है. शाहरुख खान से बहुत पुराना ताल्लुक है, मैं उनकी टीम के लिए खेलता भी रहा हूँ, KKR की तरफ से खेलता रहा हूँ. मेरी उनसे पहले मुलाकात भी थी, 2003 में साउथ अफ्रीका में उनसे मिला हूँ. शाहरुख भाई ये करते हैं कि उनको अपना जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो गले लगा के और पपी करके होता है. सो ही मेक श्योर्स के मैं जब भी आऊँ, किसे मिलूँ, किस करूँ माथे पे. सो उनका एक्सप्रेस करने का एक तरीका है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये तरीका. जिस तरह आपने बताया शाहरुख खान की काफ़ी चीज़ें मुझसे मिलती हैं. हाँ बिल्कुल मिलती हैं. मैं भी उसी तरह ही बिल्कुल लगते हैं. शाहरुख खान साहब का मैंने फोन आया कहते यार तेरे वाला हेयर स्टाइल रखना किवें दा होए. बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, और बॉलर्स भी हैं दुनिया में जो अचीव करने के, वो नंबर जो है ना अचीव करने की कोशिश करते हैं, नहीं पहुंच सके. डोंट यू थिंक कि नौजवान जो हमारे अभी बॉलर्स हैं दे नीड सम एक्सपीरियंस, आप गाइडेंस उनको चाहिए, एंड इट्स दिस वे यू कैन हेल्प देम आउट. अब रिकॉर्ड, यार फास्टेस्ट बॉलर का रिकॉर्ड मुझे लगता है अब थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता जा रहा है. दो कि मैं चाहता हूँ कि बच्चा आए तोड़े रिकॉर्ड मेरा, लेकिन अब थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है. बट मेरी ख्वाहिश है कि वो आए तोड़े, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, जहाँ का भी हो, मुझे खुशी होगी यार कि वो तोड़े. लेकिन इसके लिए ये बात ज़रूरी है समझना यार कि आपको हड्डियाँ ना तोड़वानी पड़ती हैं. तो मेरा जिस्म सारा फटा हुआ है, अंदर से सारा फटा हुआ है, मेरे अभी नी रिप्लेसमेंट हुए हैं सारे. तो आपकी तो स्पीड भी माशाल्लाह भाईजान इस तरह थी कि बंदा लभदा हुंदा सी भाई कि लंघ गए. हां बैट्समैन पुछदा सी शोएब अख्तर बॉलिंग करा गया. हां टोटल बैट्समैन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇ ਡਰ ਲਗਤਾ ਥਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇ ਡਰ ਇਹ ਲਗਤਾ ਥਾ ਯਾਰ ਕਿ ਟੂਟ ਨਾ ਜਾਉਂ. ਤੋ ਜਬ ਆਤਾ ਥਾ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਮੇ ਮੇਰੇ ਘੁਟਨੇ ਟੂਟ ਗਏ ਥੇ, 97 ਟੂਟ ਗਏ ਥੇ ਦੋਨੋਂ. तो फिर पंच दिन बाद की मदद से मैं चलता रहा. सुभान. लेकिन मेरी बॉडी ऐसी नहीं थी कि मैं लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम खेल सकूं. तो फिर ये जो मेरा ये था ना, मैं बहुत स्ट्रांग था, तो मैं इससे खेलता रहा. शोएब भाईन तुसी क्या शादी लेट की थी? क्यों मतलब चौल महंगे सनू दो? पहले भी होने लगी स्पीड ही इतनी, कुड़ी वाले ना घर पीछे रह जाने. तुसी देख लो, तो कोलो लंघे कुड़ी वाले गंजे हो गए हुण. होता क्या है कि बहुत से लोग, अब ये प्रोग्राम भी लोग देखेंगे, इसका एक मकसद ये है कि नौजवान को खास तौर पे आइडियाज दिया जाए, उनको बताया जाए कि अगर मेहनत करो, अल्लाह की तरफ से अगर आप पे कर्म होगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ना सिर्फ अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, अपने इर्द गिर्द अपने वालदैन की भी खिदमत कर सकते हो. लेकिन मसला ये होता है कि मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं है. जिस तरह आपने बात की रेडी से, मुझे याद आया कि मैंने एक प्रोग्राम रन किया, उसमें काफी मैंने एक क्लास दी थी. अच्छा. उसमें लोग आते थे कि CEOs बनना, यानी उन्होंने अपनी कंपनीज बना के चलानी है, लेकिन उसमें एक्सरसाइज एक ये थी, मैं उनसे रेडी लगवाता था. रीजन ये थी कि यहाँ ये समझा जाता है कि बिजनेस अगर आपने करना, और खासतौर पे जो लड़के पढ़ लिख गए हैं, उन्होंने कोई छोटा काम नहीं करना. और मकसद ये था कि बिजनेस में कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो. तो वो लड़के, उनको हमने रेड़ियां लेके दी, उनको किसी का लंडे का माल, जो भी अपनी पसंद से,
यानी 15-20 हज़ार रुपये उनको दिए, उन्होंने माल लगाया, उनमें से माशाल्लाह आज यानी 2-3 साल के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पैरों पे खड़े हुए बड़े बड़े बिजनेसेस रन कर रहे हैं और मिलियनेयर बने हुए हैं। I genuinely believe in every business that you do, your intent should be pure. And especially in our industry where it's basically it's entertainment. So sometimes when the critics take it very seriously, I say the more stupider the better, because it is it takes you out of your real world into a fantasy land, and you just want to sit and you want to enjoy those 3 hours of a world that it's not your world, it's not your real world. So sometimes when the critics say it's not, you know, it's too good to be true or it's unreal, but that's what it's supposed to be. माशरा ये कह रहा है कि जो ज़ाहरी है उस पे ज़्यादा गौर शुरू हो गया, इसने पहना क्या हुआ है, ये क्या इसका बिजनेस क्या है, काम क्या है। हालांकि जो तालीमात थी, जो आप दीन की भी अगर बात करें, या छोटी छोटी चीजें, झूठ ना बोलो, दगाबाजी ना करो यार, कुरान शरीफ कहता है सफाई निसफ ईमान है, साडा मुल्क केडा गंदा है तुसी देख लो। सुन लिया ओ यार, सुनन दे मैं बोला तो फिर यार अगर असि अपने अपने घरां दे सामने दी रिस्पांसिबिलिटी ले लईए ते मुल्क साफ हो सकदा, पूरा मुल्क साफ हो जाएगा। क्या कहेंगे, गोरे दा मुल्क क्यों साफ है? ओ खुद ही साफ करते हैं, क्योंकि आप साफ करते हैं ना, मैं करना अपने उत्ते करना इत्थे भी करना, लेकिन प्रॉब्लम है कि यूके च तुहानूं नॉलेज वास्ते भी दस्सां, बरतानिया में उन्होंने कहा कि ये कानून पास करते हैं कि आपके घर के आगे की जिम्मेदारी आपकी है सफाई की, तो जितने एशियन इलाके थे उन्होंने बायकॉट कर देता होगा। ओ उनकी आदत नहीं थी, इत्थे भी पाया ने जी, मैं अपने घर की सफाई रखने लग पे, सारे कूड़ा मेरे घर अगे ला जाते, इन्हें चौकी लेना। मुझे एक बात बताएं जी, आपसे वैसे अभी बात तो हो रही थी, लेकिन जब स्टेज पे आपको देखते हैं, आपको टीवी पे देखते हैं, जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो बहुत धीमे धीमे ऐसे लहरा के, तो वैसे रियल लाइफ में भी ऐसे ही या ये आपका एक कैरेक्टर है? नहीं, ये दौरा मुझे ना वहीं जाकर पड़ता है भाई जी जी, अगर घर में भी मैं ऐसे ही फिरूं तो मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करेंगे। अब्बा कहता है मस्त जे है, इन्हें चाह भी ना दियो। कल रात को ही मुझे पता चला कि माशाल्लाह से सहावत नास और साजन अब्बास भाई हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाकई सगे भाई हो यार? हाँ जी, इन्होंने भी हाँ जी, वो सगे भरा ही हैं, और कैमरे दी सफाई। पहले आप दोनों में से ये जो स्टेज पे आपने पहले एंट्री मारी, फिर आपके बाद, और आप क्या इंस्पायर हुए इनसे या शुरू से ये टैलेंट था और था कि मैंने मुझे सिर्फ ड्रामे देखने का शौक था भाई, मुझे नहीं इल्म था कि मैंने ये काम करना है। ठीक है, मैं भाई सखावत के अक्सर मैंने पहले भी काफी इंटरव्यूज में बताया, ये मैं ना इनके ना वो जो ड्रामे में कपड़े पहने होते थे ना इन्होंने भाई ने, तो मैं ना वो छुपा लिया करता था, ड्रामा देखने का शौक था। मतलब तो उस्ताद नसीम विक्की, सरदार कमाल साहब ये और उस्ताद जी, अक्सर होता था कि जो कपड़े पहने जो करेक्टर बना है वो घर से मैं रेडी करता था अपने ढूंढ के, वो रेडी करके मैंने रखने, तो इसने ना छुपा देने कहीं, छुपा देने शरारत के तौर पे या क्यों? नहीं नहीं, इसलिए कि मुझे वहाँ बुलवाया जाए, मैं जाके ना ड्रामा देख लूं, देखने का शौक था। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आप कपड़े लेकर बुलवाया जाए आपको? हाँ, okay. तो इन्होंने उधर से ना बंदा भेजना कि मेरी अभी ड्रामा शुरू होना है तो मेरे कपड़े किधर है, तो उधर से बंदा भेजना उन्होंने, उस बंदे के साथ मैंने कपड़े पकड़ के साथ बैठ जाना। फैसलाबाद बुटीक ते चोरी होगी, कपड़े उतो चोरी हो गए, तो ये कही जान साजन ते परचा करा दे, साजन ते परचा करा दे, परचा ऐ भी अगर मुदास जिंदगी च पहली दफा चोरी करने गया, पहली दफा ही फड़िया गया। क्यों? ओ पीपनी वाली जूती पा गया जी। यार वैसे गल की गेस्ट हो तुसी नहीं बोल दो। वहां पे कपड़े चोरी हो गए, पर्चा मैंने साजन पे करवा दिया और लोगों ने टेंडे दी करते। In my head, I'm mentally married to Tom Cruise. He's first and last to me. Mental? Well, I haven't we need to check rumors. Because I haven't met him physically. I'd love to do a film with him. I'd love to spend my whole life with him. He's been my crush ever since I was 16, 15, Top Gun, you know. एक suggestion दूंगा आपने आपको, अगर मुझे 18 साल में चला जाऊं, कि choose your friends wisely. Everybody is not your friend. और ये किस लिए? ये इसलिए कि
आपके दोस्त ये नहीं कि अमीर हो, इसलिए कि उनके पास वर्क एथिक हो, वो वेले ना बैठे हो, वो फारिग होंगे, इसका मतलब है कि इवेंचुअली आप भी उसी तरह की माइंडसेट में आ जाओगे. सो वो चाहे पढ़ रहे हों, चाहे जॉब कर रहे हों, चाहे बिजनेस कर रहे, उनकी एक रूटीन हो ताकि आप उनसे ये चीजें सीख सको. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये एडवाइस आप अभी भी सब यंग जनरेशन को देंगे? जी बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा ये एडवाइस. फ्रेंड्स वाइजली चूज करें. या एवरीबॉडी इज नॉट योर फ्रेंड, एंड मेक श्योर योर फ्रेंड्स हैव गुड एथिक्स. दैट्स इट. आई एम नॉट सेइंग रिच पुअर, good ethics, that's the most important. You mentioned ke Salman bhai ko mention kiya, ye ek special relationship hai, iska thoda sa explain karein kahan se start hua. And I personally know that Salman bhai really really respects you. Salman bhai ne Big Boss mein announce kiya tha Big Boss 14 ke Rakhi ye pura show tumne akeli ne chalaya hai. सबको बताओगा अकेली ने चलाया. और प्यार ऐसे करते हैं पूरा बहन की तरह, because उसका जो ब्रेसलेट होता है ना, अपना खुद का हाथ का ब्रेसलेट मुझे दिया सलमान भाई ने, दुनिया का सामने दिया. नहीं, स्टार्ट कहां से हुआ, यानी कैसे उस सलमान भाई को आप पसंद आई? देयर मस्ट बी अ रीजन. नहीं नहीं नहीं, उन्होंने क्या, जैसे हम लोग का कर, मैं तो सच बोलने में बिलीव करती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ. जब करियर डाउन हो जाता है तो मैं सलमान भाई को बोलती हूँ, भाई आपकी जरूरत है, भाई बिग बॉस में डाल दो भाई. भाई बोलता चले कि मैं आ गया. दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू. या आई टॉक वेरी ट्रूथ. ट्रू. फिर भाई हमको वो प्लेटफॉर्म पे डालते, फिर वहां पे हम देखो, भाई का काम है हमको प्लेटफॉर्म पे डालना, वहां पे तो हमको दिखाना है परफॉर्मेंस. फिर भाई खुश हो गए तो भाई ने मुझे वो 15 लाख का बैग भी दिया और मुझे वो अपने हाथ का रियल ब्रेसलेट भी दिया, सफायर, जो ब्लू सफायर है. वाओ. एंड पूरा सीजन में रही, उसके बाद 15 में भी आई, 16 में भी आई और कंटिन्यू मैं करती गई.